गुरुदेव चरण निष्पर्श। हाँ भाई साहब जय हो, बोलो। गुरुदेव सनातन हिंदू और अध्यात्म, ये तीनों पे थोड़ा सा बोल देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई अलग नहीं है, देखो सनातन और हिंदू। सनातन का मतलब होता है प्राचीन, हिंदू का मतलब होता है हिंद। हमारा जो भारत है, हिंदी भाषी जहां, हमारे भारत में हिंदू का सीधा सा लॉजिकली जो आपकी भाषा में जो समझ में आए वो अर्थ ये है, जिसमें हमारे सनातन के जो देवी देवता हैं, प्राचीन देवी देवता हैं, जो आदि काल से पूज्य उपासक इस सारे संसार के आधार रहे, उनके प्रति अगाध श्रद्धा का भाव प्रकट रखना ही हिंदू और सनातनी है। जय श्री राम। हिंदू में और सनातनी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। हिंद प्रदेश में, हिंद क्षेत्र में रहने वाले लोग हिंदू कहलाते हैं। हिंदू का मतलब है जो वैदिक परंपरा के उपासक हैं। हिंदू का मतलब है जो हमारे ऋषि मुनियों के बताए हुए आधार पर जीते हैं। हिंदू का मतलब है जिसके मस्तक पर तिलक, शिखा, चोटी, गले में कंठी माला और मुख में राम है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरुदेव। अध्यात्म का मतलब है अपने प्राचीन परंपराओं में डूबे रहना। तो कोई अलग अलग विषय नहीं, एक ही विषय। धन्यवाद गुरुदेव, आशीर्वाद बना रहे। जुग जुग जियेला।